घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभाव वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि हम थाटों पर बात करेंगे और उन थाट में कौन कौन से राग आते हैं हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के, उन पर हम बात करेंगे ताकि जो आपका रियाज है वो समय अनुसार हो सके, है ना। क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि पिछले में मैंने हमारे हिंदुस्तानी पद्धति के जो 10 थाट हैं उनका समय अनुसार विभाजन आपको बताया है कि कौन से प्रहर में कौन सा थाट आता है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन से प्रहर में कौन कौन से राग आते हैं। अब वो राग मैंने कहाँ से कलेक्ट किए हैं और ये जो रिसर्च है मैंने किससे करी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको पता चलता है, यानी कितना वो सही है ना, कि ये मेरे मनगढ़ंत नहीं है कि मैंने कोई सा भी राग आपको किसी भी समय बता दिया हो, है ना। और कौन सा राग किस समय पर आ रहा है और क्यों आ रहा है, उसके क्या कारण है, वो भी मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, वो शास्त्रीय शास्त्रों से ली गई बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ किताबें हैं जो कि ऑथेंटिक किताबें हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई सी भी ऐसी ही किताबें हैं जिन पर हम यकीन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। भरोसेमंद किताबें हैं जिनके ऊपर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना। प्रयाग संगीत समिति जो इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी है, उससे हमारा इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है, उसमें भी वो किताबें जो हैं मान्य हैं। तो उन किताबों में और उनकी रचना कहीं ना कहीं अच्छे गुणकारों की ही है, है ना। उन्होंने ही उनकी रचना करी है, उनका संकलन किया है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी पद्धति के जो माने जाते हैं भातखंडे जी, यानी हमारे विष्णु नारायण भातखंडे जी, उनकी रची कुछ किताबें हैं जो हैं क्रमिक पुस्तक मालिका, है ना। और उसमें काफ़ी रागों का संकलन है और ख्यालों का संकलन है, कुछ किताबी ख्याल हैं जो उन्होंने रिसर्च करी है, जा जाकर गुणियों से मिले हैं, घराने मंद लोगों से मिले हैं, वहाँ जा जाकर उन्होंने वो रिसर्च करी है और उससे रागें कलेक्ट करके उनके ख्याल जो हैं और तराने जो है या चतुरंग का हो वो सब उसमें कलेक्ट किए हैं, उनका परिचय सब कलेक्ट किया है। और हमारे जो शास्त्र हैं संगीत के, जिनमें कि संगीत के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी है, उनमें से उन्होंने कई मंत्र हैं जो मूल चीज़ें हैं वो सब कलेक्ट करके और एक किताब की रचना करी है उन्होंने, क्रमिक पुस्तक मालिका, जिसके 6 भाग हैं। तो ये जो मेरी रिसर्च है ये उस पर बेस्ड है। और एक सीरीज़ और है किताबों की जिसके 4 भाग हैं, जो है राग परिचय। आपने नाम सुना होगा उसका, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी की वो किताब है, उनका संकलन है, है ना। तो उसमें से और भातखंडे जी की वो 6 किताबें हैं उसमें से मैंने संकलन किया है, ये जो रिसर्च करी है और ये रागों की लिस्ट निकाली है कि कौन से समय पर कौन सी राग आती है, कौन से प्रहर में। और हमारी जो विशारद है, संगीत विशारद, उस किताब से भी थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी है। तो वो लिस्ट बताने से पहले, लिस्ट पर चर्चा करने से पहले, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये निवेदन है मेरा, कि कुछ वीडियोस हैं मेरे जो पहले आप देख लें। सारी बातें मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि लेंथी हो जाएगा वीडियो और आप लोग नहीं देखना पसंद करेंगे, और टू द पॉइंट हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए टू द पॉइंट मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बात करी हुई है, उसके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, उनको पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको समझ आए कि रागों का समय कैसे निश्चित होता है। उसकी थोड़ी ब्रीफ मैं अभी बता दूंगा, पर डिटेल में तो आपको उन वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। समय चक्र का वीडियो है, उसको देखिए। रागों के समय को निर्धारण करने के मुख्य रूप से कितने कारण हैं वो मैंने बताए हुए हैं, जैसे कि अध्वदर्शक स्वर जो कि होता है हमारा मध्यम, वो तीव्र है या शुद्ध है। शुद्ध होगा तो राग सवेरे में आएंगे, सवेरे के समय आते हैं, पूर्व समय में आते हैं, और जो तीव्र है वो उत्तर समय में आते हैं। इस पर पूरी डिटेल उस वीडियो में है। हमारे वादी संवादी के अनुसार कि उसका जो राग का वादी है वो पूर्वांग में है कि उत्तरांग में है। अब पूर्वांग उत्तरांग क्या होता है वो भी अलग से एक टॉपिक है ना।
और राग में गनी कोमल लग रहा है या रेधा कोमल लग रहा है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको डिटेल में उन वीडियोस में मिल जाएंगी। वो आप जान लीजिए कि क्या कारण है उस राग को उस समय पर रखा गया है। और इसमें तो हम चर्चा करेंगे कि कौन सी राग किस समय पर आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किताबें कौन कौन सी हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये राग परिचय भाग एक है। इसके चार भाग हैं, मेरे पास दूसरा भाग अवेलेबल नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं बता नहीं सकता। ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। अब ख़रीदना चाहें तो ये किताबें आपको अमेज़न पे भी मिल जाएंगी, यानी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, और दुकानों पे तो अवेलेबल हैं ही हैं, है ना। ये हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी की किताबें हैं। ये हमारी क्रमिक पुस्तक मालिका है। ये हमारे भातखंडे जी हैं हिंदुस्तानी पद्धति के, और ये उसका पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। पहले भाग में आपको थाट मिलेंगे, दूसरे भाग में कुछ रागे हैं, है ना। ये तीसरा भाग है, कवर चढ़ा रखा, वैसे तो इसका भी कवर सेम ही होता है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। ये तीसरा भाग है हमारा, ये चौथा भाग है, और दो भाग हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता है, जो कि पाँचवा और छठा भाग। ये छः भाग हैं इन किताबों के, है ना। ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझसे मत मांग लेना कि आप सोचो कि मैं आपको ख़रीद के दे दूँ, ऐसा नहीं है, मैं सेल नहीं करता हूँ, ये सब मेरे कलेक्शन के लिए हैं। ये संगीत विशारद है हमारी, है ना, जिसमें ये वो किताबें हैं जिन जो मान्य किताबें हैं, जिनमें जो थ्योरीज दे रखी हैं वो ऐसी हैं, वैलिड हैं, कि जिन पर आप यकीन कर सकते हो, क्योंकि ये ऑथेंटिक हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से रिसर्च करके मैंने कुछ ये लिस्ट निकाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने जो पिछला वीडियो में सवाल छोड़ा था कि क्या वो जो थाट है वो जिस समय पर है, क्या ये ज़रूरी है कि उस थाट के सभी राग भी उसी समय में आएं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रागों का समय निश्चित करने के लिए, कहीं ना कहीं रागों के थाट निश्चित करने के लिए, कहीं ना कहीं उनका चलन जो है वो बहुत मानी रखता है, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। तो उसी के बेस्ड पर कुछ मैंने इसमें आपको बताए हैं। कुछ आपको प्रकार मिलेंगे, जैसे कि कल्याण है वो राग है ना, भैरव है वो एक राग है। इसमें थोड़ी थ्योरी और आ जाती है कि कुछ रागें जो हैं वो मूल रागें हैं और उनकी जो जन्य रागें हैं वो अलग हैं। जैसे कि 10 थाट जो हैं उन पर आधारित जो 10 रागें हैं वो हमारी 10 आश्रय रागें हैं, आश्रित हैं उन पर, क्योंकि और उन्हीं से बाकी सारी रागें निकली हैं। तो ये जो इस इन किताबों से मैंने ढूंढी है, ये कुछ 150 के करीब होंगी, है ना, एग्जैक्ट 150 नहीं, पर हाँ 150 के करीब मैं कह सकता हूँ ये रागें हैं। बाकी जो कुछ रागें हैं जिनकी जिनका निर्माण होता है, जो लोगों ने बनाई हैं, वो अलग हैं, वो किताबों में वर्णित इन किताबों में नहीं है। तो मैं उस मेरी जो रिसर्च है वो इन पर ही बेस्ड है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ऑर्डर में नहीं दे रखा है तो आपको ढूंढने में तकलीफ होगी। पांचवें और छठे किताब में जो क्रमिक पुस्तक मालिका है उसमें ऑर्डर दे रखा है कि जैसे काफी है तो काफी की सारी रागें, बिलावल है तो बिलावल की, लेकिन जो स्टार्टिंग की चार हैं उनमें ऑर्डर नहीं है। और राग परिचय है उसमें भी ऑर्डर थाट अनुसार या समय अनुसार नहीं है, वो ऑर्डर मैंने निकाला है अलग से, वो मैं आपको वीडियोज में बता रहा हूँ। जैसे इसमें राग समय अनुसार बताऊंगा और अगले वीडियो में थाट अनुसार रागें बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ मतभेद भी उसमें आएंगे कि कोई राग होगा जिसमें जिसका समय है कि नहीं, ये नहीं है ये है, है ना, जिसका थाट ये नहीं है ये है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रहर में, यानी कि 7 से 10 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था थाट बिलावल और थाट भैरवी आता है, तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से राग जो हैं वो थाट बिलावल के हैं भी या नहीं भी हैं, और वो उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और भैरवी के क्या सभी उसी में आ रहे हैं। जैसे कि मैं प्रहर बता चुका हूँ, 6 बजे से भी काउंट करते हैं, 7 से भी काउंट करते हैं, तो मैं 7 के हिसाब से आपको बता दूंगा, आप उसको अपने हिसाब से गाने बजाने का रियाज कर सकते हो। कुछ मतभेद होंगे इसमें। तो जो लिस्ट है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो हम बिलावल ही लेते हैं, तो हमारी राग बिलावल जो है वो 7 से 10 में आ जाती है पहले प्रहर में। फिर ये लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और मैं बता भी रहा हूँ, आप अपनी खुद की भी लिस्ट बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो बिलावल, भैरवी, अलहिया बिलावल, है ना, अलहिया बिलावल जो कि हमारी बिलावल थाट की है। कुछ कुछ हैं जिनके मैं थाट आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ कुछ के डिटेल में आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगा, है ना। हिंडोल, रामकली, ललित, देवगिरी बिलावल, यमनी बिलावल, अहीर भैरव, आनंद भैरव, सरपर्दा, शुक्ल बिलावल, कुकुभ, शिवमत भैरव, बंगाल भैरव, गुणकली, भूपाल तोड़ी, पटमंजरी, भैरव बहार, देवरंजनी। अब इनमें से कौन सी बिलावल थाट की, कौन सी भैरवी थाट की, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, पर ये जो रागे हैं ये हमारी
पहले प्रहर की रागें हैं। अब इसमें हो सकता है कुछ रागों में मतभेद भी हो, कि हो सकता है ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पर ये जो है मुझे सभी, मैंने सब जगह सर्च करके इंटरनेट पे भी और किताबों में और गुरुओं से भी इसका टैली करके, ये इसी प्रहर में आती हैं। मांड एक राग है, या यूं कहूँ एक गायकी का अंग है, वो भी इसी टाइम पर आता है। फिर आते हैं हम 10-1 में, यानी कि दूसरे प्रहर में, है ना। उसमें दो थाट मैंने आपको बताए थे, आसावरी और थोड़ी। अब रागें जो जो इसमें आ रही हैं वो हैं जौनपुरी, देशकार, देशी, आसावरी तोड़ी तो है ही, गौड़ सारंग, देवगंधार, गांधारी, गुर्जरी, गुर्जरी यानी गुर्जरी तोड़ी, भूपाल यानी भूपाल तोड़ी, बिलास खानी तोड़ी, शुद्ध सारंग, सूहा, सूरमलार, मियाँ की सारंग, गोपिका बसंत, मध्यमाद सारंग, सुघराई, नट बिलावल, सामंत सारंग, देवसाख। अब इसमें कई जगह आप, मैंने किताबों में जो वर्णन देखा तो उसमें यूं आ रहा था कि एग्जैक्ट समय नहीं दे रखा है, उसका समय दे रखा है मध्य, दिन का मध्य, यानी कि 12 बजे का। अब 12 बजे से अगर आप 6 बजे से प्रहर काउंट करते हो तो 12 बजे से आपका तीसरा प्रहर शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप 7 बजे से करते हो तो 12 जो है वो आपके दूसरे प्रहर में आता है, लेकिन आप जो है अब उसको क्या मानोगे। तो इसीलिए मैंने कुछ रागें कॉमन रखी हैं जो कि दूसरे और तीसरे प्रहर में दोनों में आती हैं, जैसे कि गौड़ सारंग, शुद्ध सारंग, सूहा, सूरमलार, मियाँ की सारंग, मध्यमाद सारंग, सामंत सारंग और देवसाख। ये जो हैं ये 12 बजे के टाइम की रागें हैं ना, इनको आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो है दोनों में आती हैं, कॉमन है। तीसरे प्रहर में देखें तो भीमपलासी, वृंदावनी सारंग, पटदीप, पीलू, गौड़ सारंग तो मैंने बताया ही, भीम, मधुवंती, हंस किंकड़ी, बरवा, प्रदीप की, धानी, बड़हंस सारंग, और इसके अलावा जो मध्य की थी 12 बजे वाली, यानी शुद्ध सारंग, सूहा, सूर मलार, मियाँ की सारंग, मध्यमाद सारंग, सामंत सारंग, देवसाख, वो भी इसमें आई गई हैं, है ना। ये लिस्ट वैसे तो अलग से दे भी रखी है, आप अपनी बना भी सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वैसे ये रफ है मेरी, इसमें मैंने 4 कॉलम कर लिए हैं, ये दिन के 4 कॉलम हैं, फिर रात के 4 कॉलम अलग बना लिए हैं, ठीक है। अब कुछ रागें होती हैं जो अंग पे बेस्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैरव है, भैरव अंग जो है इसकी काफ़ी अलग और भी रागें होंगी, कल्याण है, कल्याण अंग की काफ़ी रागें होंगी, कान्हड़ा एक अंग है जैसे दरबारी आपने सुना होगा, उसकी अलग रागें होती है, सारंग एक अंग है जिसकी बहुत सारी रागें होती हैं, मल्हार एक अंग है जिसकी बहुत सारी रागें होती हैं, तो उसके भी कुछ मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, वो भी आपको मैं जल्द बताऊँगा। फिर आते हैं हम चौथे प्रहर पे, दिन के आखिरी प्रहर में, जिसमें कि मारवा और पूर्वी थाट आते हैं, और रागें कौन कौन सी आती हैं, मुल्तानी, पूरिया, पूरिया धनाश्री, श्री, जैताश्री, जैत, रेवा, माली गौरा, त्रिवेणी, गौरी, ललिता गौरी। इसमें कई ऐसी रागें होंगी जो प्रचलन में नहीं है, कम गाई जाती हैं, कई कम गाई बजाई जाती हैं, जिनका वर्णन सिर्फ शास्त्रों में है, गाना बजाना उनमें इतना नहीं होता है। अब संधि प्रकाश एक चीज़ होती है जो मैंने, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी अच्छे से देख लीजिए। बेसिक संधि प्रकाश का ये मीनिंग है जहाँ दिन और रात की संधि हो रही हो, जहाँ दिन ढल रहा हो और रात शुरू हो रही हो, या रात ढल रही हो और दिन शुरू हो रहा हो, और वो दिन में 24 घंटे में 2 बार होता है, एक सवेरे और एक शाम में। तो कुछ रागें होती हैं जो उस समय की रागें हैं, जिनका कोई वक्त निश्चित नहीं किया गया है कि ये 4-7 में ही गाई जाएंगी, या चौथे प्रहर में गाई जाएंगी, या रात के पहले में, है ना, वो उनका समय दे रखा है संधि प्रकाश, तो वो शाम के चौथे प्रहर में भी गाई बजाई जा सकती है, क्योंकि वो संधि प्रकाश का ही टाइम होता है। तो जैत, रेवा, माली गौरा, ये मुझे जो मिले इनमें संधि प्रकाश का अलग से टाइटल था, इसीलिए इनको मैंने इसमें रखा है। अब आते हैं हम हमारे 7-10 यानी रात के पहले प्रहर में, जिसमें कल्याण थाट आता है। तो जो रागें इसमें आ रही हैं कौन कौन सी हैं, कल्याण यानी कि यमन, और फिर आती है बेहाग, हंसध्वनि, भूपाली, भिन्न षड़ज, नट केदार, केदार, नीलांबरी, हमीर, कामोद, छायानट, शुद्ध कल्याण, पहाड़ी, मारू बेहाग, नंद, मलुहा केदार, खंबावती, श्याम कल्याण, बेहागड़ा, चंद्रकांत, नट बिहाग, भंखार, जैत कल्याण, चांदनी केदार और नटमलार, ठीक है। अब इसमें एक राग और है जो है पूरिया कल्याण, जिसका यूं है कि समय जो है वो शाम का दे रखा है, सायंकालीन दे रखा है, उसका कोई निश्चित नहीं है, तो मैंने वो दोनों में रख रखा है, 4-7 में भी, यानी दिन के अंतिम में भी उसको रख रखा है और रात के प्रथम में भी रख रखा है, क्योंकि पूरिया जो राग है वो 4-7 में आती है चौथे प्रहर में, तो पूरिया के बाद ही पूरिया कल्याण गाई जाती है, ये सिमिलर है।
है ना। अब हो सकता है ये रागें आपको नहीं आती हो, तो ये वीडियो वैसे आपके इतने काम का होगा नहीं, है ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। बट मेरे हिसाब से ये लिस्ट तो भी आपको बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आप उनको सीखोगे ही ना, और ये लिस्ट आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो वही है, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैंने कर दी है, तो आपकी मदद हो जाएगी। दूसरे प्रहर में आते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी रागें हैं, मैं यूँ कहूँगा कि सबसे ज़्यादा रागें हैं इसी प्रहर में आती हैं, दूसरे प्रहर में, रात के दूसरे प्रहर में। और काफ़ी ऐसी रागें हैं जो इधर भी मध्य मानी जाती है, यानी कि मध्य रात्रि की रागें मानी जाती हैं, है ना, उनका समय निश्चित नहीं। जैसे कि मैंने आपको दिन में बताया था, दिन में काफ़ी ऐसी रागें हैं जो 12 बजे हैं, तो रात में भी काफ़ी ऐसी रागें हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले दो थाट मैंने बताए थे, काफ़ी और खमाज। अब इन्हीं की कुछ रागें हैं और कुछ अलग थाट की भी हैं। तो रागें हैं आपकी काफ़ी, खमाज, देस, बागेश्री, दुर्गा, तिलंग, तिलक कामोद, गारा, खट, दुर्गा कल्याण, जलधर केदार, बहार, नारायणी, पट बिहाग, सोरठ, शंकरा, जय जयवंती, मियाँ मलार, दरबारी कानड़ा, अभोगी कानड़ा, नायकी कानड़ा, कौंसी कानड़ा, रागेश्री, मालगुंजी, मेघ मलार, गौड़ मलार, रामदासी मलार, जयंत मलार, चंद्रकौंस, हेम कल्याण, गोरख कल्याण, जन सम्मोहिनी, कलावती, शहाना, झिझोटी, आशा, सिंदूरा। अब हम आते हैं तीसरे प्रहर में, उसमें आती हैं काफ़ी, जो कि मध्य रात्रि, क्योंकि उसका समय है, इसीलिए वो दोनों प्रहर में डाला हुआ मैंने, क्योंकि वही मैंने बताया, 6 बजे से काउंट करोगे तो 12 बजे से आपका तीसरा प्रहर शुरू हो जाता है, लेकिन 7 बजे से काउंट करोगे तो 12 बजे आपके रात के दूसरे प्रहर में आता है, 10 से 1 के बीच में, है ना, इसीलिए मैंने वो कॉमन रखी है। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। जो पहले मध्य रात्रि की बता दूं, तो काफ़ी, बहार, शंकरा, मियाँ मलार, दरबारी कानड़ा, नायकी कानड़ा, कौंसी कानड़ा, चंद्रकौंस, ये जो हैं ये मध्य रात्रि की हैं, तो इनकी आप अलग लिस्ट बना लीजिए भले ही। फिर 1 से 4 यानी कि तीसरे प्रहर में कौन कौन सी आती हैं रात के, मालकौंस, ललित पंचम, अड़ाना, बसंत बहार और शहाना, ठीक है, ये सारी आ जाती हैं। फिर रात के आखिरी प्रहर में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 7 में कौन कौन सी आती हैं हमारी, भैरव, सोहनी, बसंत, परज, भटियार, पंचम, विभास, जोगिया, सौराष्ट्र भैरव। अब इसमें काफ़ी ऐसे मतभेद पैदा होंगे, जैसे कि सोहनी मैंने बताया, आप बोलेंगे कि मारवा थाट तो हमारा दिन के अंतिम प्रहर में आ रहा है, तो राग सोहनी रात के अंतिम प्रहर में क्यों, और सोहनी कई लोग हैं जो रात में ही गाते हैं, यानी कि शाम ढलते समय गाते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 4 से 7 में। तो ये बता दूँ, ये मेरी जो रिसर्च है किताबों पर आधारित है, और कई लोग इसको अलग समय पर भी गाते हैं, इसके कई लॉजिक्स वो लोग लगाते हैं, पर किताबों में यही इसका वर्णन दे रखा है। बाकी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने गुरुओं से, कि ऐसा क्यों है, इस राग को इस समय पर न गा के इस समय पर क्यों गा रहे हैं, ऐसे कई सारे मतभेद होंगे, इसलिए मैं सबको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ जो कि आप रख सकते हैं। अब जल्दी ही हम थाट पर बेस्ड भी रागें डिस्कस करेंगे, और अंग जो है उन पर भी डिस्कस करेंगे, कि कानड़ा अंग में कौन कौन सी रागें आती हैं, मल्हार अंग में कौन कौन सी आती हैं, सारंग अंग में कौन कौन सी आती है, कल्याण अंग में कौन कौन सी आती हैं, बिलावल अंग में, भैरव अंग में, केदार अंग में, इन सब पर हम जल्द डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें कि मैं आपको थाट पर बेस्ड कौन कौन सी रागें हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रवाह वर्ल्ड का चैनल, एंड सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, एंड शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करता हूं, तो वही सीखें और वही मूल है हमारा, ठीक है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।